महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री श्री बाबा महाराज की जय। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। श्री राधा रास बिहारी लाल की जय। श्री गैवर्वन धाम की जय। श्री बरसाना समस्त भक्त वैष्णव वृंद की जय। श्री गौ माता की जय। श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे। आज के सत्र में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट हम सभी लोग अपने मन को एकाग्र और स्थिर करते हुए ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करेंगे और फिर आज की कथा श्रवण करेंगे। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरी बोल।
क्या हुआ श्री राधे? श्री राधे श्री राधा माधव, युगल रसराज की कृपा से इस पवित्र मंदिर परिसर में बैठकर उनकी रसमयी चर्चा का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। आवाज कहाँ चले गए? कल संक्षेप में भागवत महात्म्य की कथा का श्रवण हम सभी लोगों ने किया था। यथा समय यथा मति आगे की चर्चा भी हम लोग करेंगे। भाई कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सिंधु स्वरूप है, कथा का कोई पारावार नहीं है। जिस समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को बनाया तो वहां गोसाई जी ने स्वयं स्पष्ट कहा कि भाई ये ग्रंथ बनाने का मेरा यह लक्ष्य नहीं कि मैं राम जी की कथा का बोल छोड़ पाऊं। इस ग्रंथ को बनाने का केवल यही लक्ष्य है कि मैं अपनी वाणी को पवित्र कर सकूं। तो भगवत चर्चा इसलिए नहीं की जाती कि हम उनकी चर्चा का और छोड़ पा लें। ये चर्चा तो सदैव मन वाणी की पवित्रता के लिए ही होती है। भगवत चरित्र का कौन पार पा सकता है? तो हम लोग समय के अनुसार कथा की चर्चा करेंगे। कल भागवत महात्म्य कथा का श्रवण हम लोगों ने किया। प्रथम स्कंद की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने श्री ठाकुर जी का ध्यान किया, उनको प्रणाम किया, क्योंकि कोई भी ग्रंथकार जब ग्रंथ बनाने बैठता है तो उस ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में अपने इष्ट को स्मरण करता है। यहां भी व्यास जी ने परम सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। उनका स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण प्रथम श्लोक में कहा है, वे परम सत्य स्वरूप हैं, ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। उनके द्वारा सृष्टि का निर्माण पालन संहार जैसी क्रियाएं होती हैं, ये उनका तटस्थ लक्षण है। फिर दूसरे श्लोक में भागवत जी को बनाने वाले श्री वेदव्यास जी महाराज हैं, निर्मत्सर संत ही इसको कहने सुनने के अधिकारी हैं। और श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु परम धर्म है। परम धर्म माने जिससे परे, जिससे आगे दूसरा कोई धर्म बाकी नहीं रह जाता, उस धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में हुआ है। तीसरे श्लोक में भागवत जी की महिमा को गाया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादम प्रतिद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भूमि भाव का। भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और जैसे संसार में हम लोग कहते हैं ना कि जिस फल में
तोता मुंह मार देता है वो फल ज्यादा मीठा हो जाता है। जब से सुखदेव जी महाराज का संबंध भागवत जी से हुआ है तब से भागवत की मधुरता और बढ़ गई है। दो बातें हैं, या तो तोते के मुंह लगाने से फल मीठा हो जाता है या मीठे फल में ही तोता मुंह लगाता है। वो दोनों ही बातें भागवत जी के ऊपर घटित होती हैं। सुखदेव जी महाराज के कहने से भागवत में और अधिक मधुरता आ गई, एक तो ये बात। दूसरी बात, भागवत अपने आप में इतना मधुर चरित्र है, इतनी मधुर कथा है कि परीक्षित जी को जब कथा सुनाने सुखदेव जी बैठे हैं तो किसी अन्य ग्रंथ का स्मरण नहीं हुआ, सीधे श्रीमद् भागवत जी की कथा ही कर रहे हैं। क्योंकि तोता मीठे फल में ही मुंह मारता है तो सुखदेव जी ने केवल भागवत जी का ही स्मरण किया है, क्योंकि भागवत बहुत मधुर ग्रंथ है। पिबत भागवतम, फिर बोले पियो, भागवत जी को पियो, सुनने के लिए नहीं कहा, उसको पियो। तो भाई आप कह रहे हैं तो फल है, पका हुआ फल तो खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता, कोई रस हो जूस हो तो पिया जाए। बोले द्रव संयुतम, भागवत फल तो है पर रसमय फल है। जैसे संसार में कोई फल है, आम है तो उसका छिलका फेंका जाता है, गुठली फेंकी जाती है, केला है उसका छिलका फेंका जाता है, पर भागवत ऐसा फल है जिसमें रस ही रस है, जिसमें छोड़ने योग्य फेंकने योग्य कोई अंश नहीं है। तो रसमय फल होने के कारण पीने की आज्ञा दी है, पियो। तो भाई ये रसमय फल आया कहाँ से? श्री ठाकुर जी के नित्य धाम से ये रसमय फल आया है। पर ध्यान दें, कोई वृक्ष पर ऊंची शाखा पर कोई पका हुआ फल लगा है, अब इतने ऊंचे से वो फल गिरेगा रसमय फल, तो वो गिरती फूट जाए, नष्ट हो जाए। पर भागवत एक ऐसा रसमय फल है, जब ये नित्य धाम से नीचे आया भूमि पर तो ऐसे साक्षात सीधे नहीं गिर गया। भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी और सूत जी आदि ऋषियों को, फिर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को, और इस तरह से संसार में भागवत कहने सुनने की एक परंपरा चली। तो कोई फल है पत्ते पर गिरा, फिर दूसरे पत्ते पर गिरा, तीसरे पत्ते पर गिरा, ऐसे अगर भूमि पर गिरेगा तो वो नष्ट नहीं होगा, सीधे गिर जाएगा तो वो फूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो भागवत जी सीधे नहीं आ गई मृत्यु लोक में, परंपरा से आई, शिष्य परंपरा से आई, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, तो परंपरा से आई, इसलिए ये इस रसमय फल का कुछ बिगड़ा नहीं। सब रसिकों ने जिस जिस रसिक ने भागवत जी को कहा सुना, उस फल की और रसरूपता बढ़ गई, उस फल की और मधुरता बढ़ गई। यहां तक लिखा है मुह रहो रसिका भूरि भाव का, मुह माने बार बार पीना, ऐसा ना हो अरे एक बार सुन तो ली भागवत जी की कथा, बार बार क्या उसी कथा को सुनो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई लिखा है स्वादु स्वादु पदे पदे, भागवत जी के अक्षर अक्षर में बड़ा रस है, आप जितनी बार इसको सुनोगे ना रसिकता के साथ, उतनी बार इसमें नए रस का अनुभव होगा, उतनी बार नया रस अनुभूत होगा। तृप्ति उन लोगों को होती है जिनको रस का अनुभव नहीं होता, जब रस आ जाएगा तो कभी तृप्ति नहीं होगी, कभी मन नहीं भरेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यही कहा, राम कथा के ते ही अधिकार, जब रस मिल जाएगा तो स्थिति ऐसी हो जाएगी
वास्तव में कथा कीर्तन में ऐसा रस है कि जिन जिन महापुरुषों को ये रस मिला उन्होंने इस रस के पीछे और तो क्या, भ्रमर गीत में गोपियों ने कहा है यदनुचरित लीला पर्ण पीयूष विप्रट। उद्धव जी कह रहे हैं तुम कृष्ण चर्चा को सुनना नहीं चाहती हो तो करती क्यों? गोपियां बोली उद्धव जी यही तो इस चर्चा की बीमारी है, एक बार जो ये चर्चा कर लेगा वो अपना घर द्वार स्वाहा कर सकता है पर इस चर्चा को जीवन में कभी छोड़ नहीं सकता है। कहां तक कहें, भगवान को छोड़ देगा उनकी कथा को नहीं छोड़ पाएगा। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जब कथा, ये देखो रसिक लोग कैसे हो रहे हैं, कितनी रसिकता के साथ कथा सुननी चाहिए। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जब कथा करते थे तो एक वैष्णव नित्य कथा में आते लेकिन थोड़ा विलंब से कथा में आते, 10 मिनट की कथा जब निकल जाती तब कथा में पहुंचती, तो उन पर बड़े रसिक थे इसलिए उनकी वजह से महाप्रभु जी 10 मिनट लेट कथा शुरू करते, वो जब आ जाते तभी कथा शुरू करते। और क्योंकि वो वैष्णव उनके घर में अष्टयाम भाव की ठाकुर जी की सेवा थी तो 24 घंटा सेवा में लगे रहते थे। तो एक दिन कुछ वैष्णवों ने कहा महाप्रभु जी से, आचार्यवर इसको पता नहीं है कैसे व्यक्ति को कि रोज इस समय कथा शुरू हो जाती है, रोज क्यों 10 मिनट लेट आ गया, समय से आना चाहिए, इतने लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, आज आप इसके लिए प्रतीक्षा ना करें कथा शुरू कर दो, कल से अपने आप टाइम से आएगा। महाप्रभु जी ने कथा को आरंभ कर दिया। अब जैसे ही कथा की ध्वनि उसके कानों में पड़ी वो दौड़ता हुआ घर से आया। अब वो उस दिन गोपाल जी को जल्दी जल्दी में वो बाटी का भोग लगा रहा था, अब कथा जब सुनी तो बाटी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो कच्ची बाटी ही गोपाल जी को भोग में धरा के चला आया। प्रभु अब जैसी है खाओ, मैं कथा नहीं छोड़ सकता, कच्ची पकी जैसी है खाओ। अब दौड़ के कथा में आ गया, कथा सुनी, बड़ा आनंद आया। उस रात में वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने उस महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, आचार्यवर जब आप रोज इसके लिए 10 मिनट प्रतीक्षा करते थे तो आज प्रतीक्षा क्यों नहीं की, इसने कच्ची बाटी हमें खिला दी, रात भर हमारे पेट में दर्द रहा, आपको इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो महाप्रभु जी समझ गए कि वो वैष्णव ये रसिकों की स्थिति होती है, वो सब छोड़ देंगे, भगवत सेवा भी छोड़ देंगे, जिन्हें कथा कीर्तन में रस आ गया ना वो सब कुछ छोड़ देंगे, ये रस ऐसा है। इसलिए मुंह रहो, मुंह माने बार बार पियो, बार बार, रसिक ही इसको बार बार पी सकते हैं। हम तुम लोग तो 1.5-2 घंटे में भी बार बार घड़ी की ओर दृष्टि चली जाती है, और कितनी देर रही है, और कितनी, ये रसिकों की स्थिति नहीं। एक बार रस की अनुभूति हो जाएगी तो समय कहां निकल गया कुछ अनुभव ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो रसिक जन इसको पीकर कभी तृप्त नहीं होते, कभी अघाते नहीं होते। बल्कि पृथ्वी जी महाराज का चरित्र आता है 4वें स्कंद में, भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो, तो पृथ्वी जी कह रहे हे नाथ हमें आप 10,000 कान दे दीजिए। भगवान को आश्चर्य हुआ कि ऐसा वरदान तो आज तक किसी ने नहीं मांगा, स्वर्ग लेता, मोक्ष लेता, कुछ ले लेता, ये 10,000 कान मांगने का क्या मतलब है? पृथ्वी जी ने कहा नाथ ये कान नहीं, ये प्याले हैं आपकी कथामृत नामामृत को पीने का, जितना अधिक पात्र होगा उतनी अधिक उसमें वस्तु आएगी। मेरा कहने का आशय 2 कानों से कथा सुनता हूं तो मन नहीं भरता है, जब ज्यादा से ज्यादा पात्र होंगे तो अधिक से अधिक वस्तु आएगी। पृथ्वी जी के कहने का मतलब ये नहीं है कि उनके रोम रोम में कान पैदा हो जाए, 10,000 कान मांगने का मतलब बार बार आपकी कथा सुनने के बाद मेरे मन को कभी तृप्ति न हो। गोसाई जी ने रामचरितमानस में कहा है जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा समुद्र में 1,000 नदियां मिलती हैं पर समुद्र कभी
कभी ऐसा नहीं कहता कि मेरे पेट भर गया अब जरूरत नहीं, ऐसा कहता है समुद्र? कभी नहीं कहता। कथामृत को पीने के लिए हमारे कान समुद्र की तरह अगाध हो जाएं, दिन रात सुनते रहें, दिन रात पीते रहें, तब भी कभी मन न भरे, समुद्र की जैसी अगाधता हो जाए कानों की। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, दिल के गृह तुम कहो गृह रो रे। निरंतर भरते रहे कान, निरंतर कथा से भरते रहे, फिर भी कभी तृप्त न हो, पूर्ण न हो, इस तरह से कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने का मतलब ही है हम जितना सुने उतनी अभिलाषा बढ़ जाए। परीक्षित जी के विषय में भक्तमाला जी में लिखा है, श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, श्रवण करत लागी कोटि गुनी प्यास है। परीक्षित जी जैसा कोई रसिक श्रोता नहीं देखा गया, जितना सुनते थे उतनी सुनने की और पिपासा बढ़ जाती थी और सुनने की अभिलाषा बढ़ जाती थी। ऐसे सुनना चाहिए कि सुनने की इच्छा और बढ़ जाए, इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि तृप्ति हो जाए, इसलिए सुनो कि सुनने की इच्छा और बढ़ जाए, श्रवणाभिलाषा और बढ़ जाए। ये तो सुनना सुनना है, और जो तृप्त हो गए, जो अभा गए, जो ऊब गए, उन्होंने कुछ नहीं सुना। स्तुत जी महाराज को शौनक जी ने कथा सुनाई है, शौनक जी ने कुछ प्रश्न किए हैं जिनका उत्तर सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से दिया है। शौनक जी ने प्रश्न किया, किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी को बनाया? आप सबसे प्रार्थना है कृपया आप लोग यहाँ बात ना करें, और लोगों को भी व्यवधान होता है। किसकी प्रेरणा से भागवत जी को बनाया? सूत जी महाराज ने शौनक जी को बताया है, नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रणयन किया। जिस समय वेद व्यास जी ने 17 पुराण बना लिए, महाभारत बना लिया, ब्रह्म सूत्र बना लिया, चारों वेद बना लिए, 6 शास्त्र बना लिए, पर व्यास जी को मन में एक अपूर्णता का एहसास हो रहा था कि अभी कोई कार्य है जो मैंने नहीं किया है। तो उनसे पूछा नारद जी से व्यास जी ने, देवर्षे मैंने सब कुछ किया पर फिर भी मुझे अपूर्णता क्यों लगती है? नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने इतने ग्रंथ इतने साहित्य बनाए पर अभी तक आपने कृष्ण यश नहीं गाया, तो क्या और पुराणों में कृष्ण यश नहीं है या और शास्त्रों में कृष्ण यश नहीं है? है तो सही, पर ऐसा है जैसे आटे में नमक, आटे में कितना सा नमक लगता है, तो कहीं धर्म का व्याख्यान, कहीं मोक्ष का व्याख्यान, कहीं वर्ण धर्म का व्याख्यान, कहीं आश्रम धर्म का व्याख्यान, पर ऐसा ग्रंथ अभी तक नहीं बना जिसमें केवल कृष्ण यश ही हो, बाकी कुछ ना हो, अन्य विषयों की प्रधानता ना हो। वास्तव में साहित्य की शोभा, ग्रंथ की शोभा, विद्या की शोभा, बुद्धि की शोभा ठाकुर जी का यश गाने से ही होती है। आपके अंदर चाहे जितना बड़े से बड़ा गुण हो पर उस गुण का संबंध अगर भगवान से नहीं है तो वो गुण एक बहुत बड़ा दोष है, और हमारा बड़े से बड़ा दोष हो उस दोष का संबंध अगर ठाकुर जी से हो जाएगा तो वो दोष भी गुण बन जाएगा। कितने भक्त हुए, आप धनुर्धर स्वामी जी का जीवन चरित्र पढ़ के देखें, बिल्व मंगल जी का जीवन चरित्र पढ़ के देखें, नंददास जी का जीवन चरित्र पढ़ के देखें, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जीवन चरित्र पढ़ के देखें, इनके जीवन में रूपाशक्ति का दोष था पर ये दोष जब भगवान से जुड़ा तो वो दोष दोष नहीं रहा, वो एक महान गुण हो गया। श्री धनुर्धर स्वामी जी ये दक्षिण भारत के भक्त हुए हैं,
इनकी पत्नी का नाम था मालिनी देवी। अपनी पत्नी के रूप में बड़े आसक्त थे, बहुत आसक्त। पत्नी भी बड़ी सुंदर थी। एक बार रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, श्री रामानुजाचार्य जी उसमें जा रहे थे। इनकी पत्नी ने कहा चलो रंगनाथ जी का दर्शन कर लेते हैं। तो ये हमेशा अपनी पत्नी की ओर मुख और संसार की ओर पीठ करके रहते थे, तो पत्नी के आगे आगे छत्र लगा के चल रहे थे। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा अब रंगनाथ भगवान आगे खड़े हैं, रंगनाथ जी की ओर पीठ कर लिया और पत्नी की ओर मुंह कर के खड़े। रामानुजाचार्य जी ने कहा क्या अजीब आदमी है ये, दुनिया तो रंगनाथ भगवान के दर्शन कर रही है और ये रंगनाथ जी की ओर पीठ और पत्नी की ओर मुंह करके खड़ा है। इसके अंदर दोष है रूप आसक्ति का, पर अगर वहां आसक्त है जहां रूप है ही नहीं, बेचारा मूर्ख है। उन्होंने किसी सेवक से कहा इसको बुला के लाओ जरा। तो रंगनाथ भगवान के सामने से रामानुजन को धनुर्धर दास जी को बुलाया गया। वो चले तो गए पर रामानुजाचार्य जी की ओर पीठ करके और अपनी स्त्री की ओर मुंह करके खड़े हो गए। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा भैया रंगनाथ भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर रहे हो तुम? बोले भगवान मैं नहीं जानता कौन रंगनाथ भगवान, मेरे अंदर दोष, मैं रूप का बहुत आसक्ति हूँ और मुझे संसार में अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर रूप कहीं देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं उनकी ओर भगवान की ओर नहीं देख सकता। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा अगर तुम्हें पत्नी से ज्यादा रूप रंगनाथ जी में दिखाई पड़ गया तो? बोले तो ठीक है पत्नी को छोड़ देंगे। तो रामानुजाचार्य जी ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की हे भगवान ये जीव रूपासक्त है पर वहां आसक्त है जहां रूप है ही नहीं, आप कृपा करें इसको एक बार अपनी बांकी झांकी करा दो। और उसी समय रंगनाथ भगवान ने उसको अपना साक्षात दर्शन कराया और जैसे ही साक्षात दर्शन उन्होंने किया है धनुर्धर दास जी ने, अब तो रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर के फूट फूट के रोने लगे। हे नाथ आज तक कहां मैंने मलमूत्र के भांड को रूप समझ रखा था, सच्चा रूप शाश्वत रूप तो यही है। और उसके बाद उन्होंने श्री रंगनाथ जी के अलावा जीवन में कुछ देखा नहीं। तो बड़े से बड़ा दोष भी गुण बन जाता है जब उस दोष का संबंध भगवान से हो जाता है, और बड़े से बड़ा गुण भी दोष हो जाता है जब उस गुण का संबंध भगवान से नहीं होगा। व्यास जी को नारद जी ने कहा ठीक है आपने बहुत सुंदर ग्रंथ बनाए हैं पर जब तक भगवत यश की प्रधानता नहीं होगी तब तक स्थिति ऐसी रहेगी, सोहना बसन बिना नर नारी विदु बदनी सब भांति संवारी। गोसाई जी ने मानस जी में कहा है किसी स्त्री को या किसी पुरुष को आप ऊपर से नीचे तक सोने के आभूषणों से लद गए पर अगर आप उसको वस्त्र नहीं पहनाएंगे तो उसकी शोभा नहीं हो सकती। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है विद्यावधू जीवनम, जिस विद्या का संबंध भगवान से नहीं है वो विद्या विधवा विद्या है और जिस विद्या का संबंध भगवान से वही विद्या सर्वा विद्या है। जिस गुण का या जिस दोष का संबंध भगवान से नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो आप कृपा करें आप कृष्ण यश गाएं। एक भक्तमाल जी में चरित्र मिलता है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का। एक बार ओरछा के एक राज कवि श्री केशवाचार्य जी, बड़े संस्कृत के बड़े तगड़े विद्वान थे, बड़े प्रबल विद्वान, गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने के लिए आए। दरवाजे पे सेवक खड़ा था, सेवक ने कहा महाराज हम अभी आप यहीं खड़े रहे, हम गोसाई जी को कह देते आप मिलने के लिए आए हैं। तो केशवाचार्य जी के लिए बताया गोसाई जी को, गोसाई जी केशवाचार्य जी मिलने के लिए आए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ठीक है उस प्राकृत कवि को लौकिक कवि को आने दो। तो केशवाचार्य जी ने ये बात सुन ली और समझ गए कि आज तक मैंने केवल लोक का गुण गाया, राजाओं का गुण गाया, जहाँ गुण नहीं था उनका झूठा झूठा गुण गाया, इसलिए ये मुझे प्राकृत कवि कह रहे हैं, इसका मतलब मुझे भगवान का गुण गाना चाहिए। तो वो उस दिन गोसाई जी से मिले नहीं, लौट के चले गए घर में। और केशवाचार्य जी को ब्रह्म राक्षस की सिद्धि थी, प्रेत सिद्धि। कई बार लोग तामसी सिद्धियां भी करते, राक्षस सिद्ध कर लेते हैं, प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं। तो उसको ब्रह्म राक्षस सिद्ध था, केशवाचार्य बड़े विद्वान। उन्होंने कहा देख ब्रह्म राक्षस को कहा मुझे आज रात रात में ही राम जी के ऊपर एक ग्रंथ बनाना है, तू बोलता जा और मैं लिखता जा। तो
तो वो प्रेत छंद बोलता गया और वे उसे लिखते गए और एक रात में ये ग्रंथ बन गया जिसका नाम हुआ रामचंद्र चंद्रिका। अब अगले दिन सवेरे वो रामचंद्र चंद्रिका ग्रंथ को लेके गए गोस्वामी जी से मिलने के लिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये ना समझे कि मैंने केवल संसार का यश गाया, मैंने भगवान का यश भी गाया है। तो किसी ने कहा गोसाई जी केशवाचार्य जी आए मिलने के लिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हंसते हुए बोले अच्छा उस भूत कवि को आने दो। तो केशवाचार्य जी समझ गए इनको ये भी पता है कि ये ग्रंथ मैंने नहीं किसी भूत ने बनाया है। तो उस दिन भी वो उनसे मिलने के लिए नहीं गए क्योंकि दरवाजे पर इतनी बड़ी बेइज्जती उनकी हो गई, मिलने नहीं गए। परिणाम ये हुआ कि जब इनका अंतिम समय आया तो आपस में सब घर के लोग बोले देखो भाई किसी को आज मरना है, किसी को कल मरना है, मरना सबको है। अब कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक जाएगा, कोई किसी योनि में, कोई किसी लोक में, तो ऐसा कोई काम करो कि हम मर के भी जहां जाएं तो सब एक ही साथ रहें। तो उन्होंने प्रेत यज्ञ किया, उस यज्ञ में आहुति डाली और उस यज्ञ में अग्नि में वे सब के सब प्रवेश कर गए। मरने के बाद सब घर के लोग प्रेत बन गए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका कल्याण किया है। फिर एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को वही प्रेत जो केशवाचार्य जी बने थे, संसार का यश गाने के बाद इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी उनको प्रेत बनना पड़ा। तुम चाहे जितने बड़े विद्वान हो, चाहे जितनी बड़ी विद्या बुद्धि तुम्हें प्राप्त हो, पर जब तक उसका संबंध भगवान से नहीं वो किस काम का है। शास्त्रों में लिखा है यथा खरश चंदन भारवाही भारस्य वेता न तो चंदनस्य। किसी गधे के पीठ पे आप चंदन को लद दो तो गधे के लिए तो जैसे मिट्टी उठाना है वैसे चंदन उठाना है, वो चंदन की महिमा को क्या जानेगा। वैसे जो लोग शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं पर उन शास्त्रों का संबंध, उस ज्ञान का संबंध जब तक भगवान से नहीं होता है तो वो शास्त्र वो विद्वत्ता उनके लिए केवल एक भार बन के रह जाती है, उससे उनका कल्याण नहीं हो सकता। चंदन की महिमा को गधा क्या जानेगा। जिस ज्ञान का संबंध भगवान से नहीं है उस ज्ञान से तुम्हारी क्या शोभा होने वाली है, उस ज्ञान से क्या कल्याण होने वाला है। केवल बोझा ढोते हैं हम लोग, अपने गुणों का बोझा ढोते हैं। गुण वही सार्थक है जिसका संबंध भगवान से है। वो बल हो, बुद्धि हो, रूप हो, धन हो, वो उच्च कुल में जन्म हो, ऐश्वर्य हो, श्रुत ब्राह्मण हो, श्री हो, वैभव प्राप्त हो, जो भी है संबंध भगवान से होना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको रामचरितमानस सुनाई है तब उनको रामचंद्र चंद्रिका का स्मरण हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही उनका आगे चल के फिर कल्याण किया। तो नारद जी ने भी व्यास जी से प्रार्थना की, व्यास जी अब आप ऐसा ग्रंथ बनाइए जिस ग्रंथ में कुछ ढूंढना ना पड़े कि ये ग्रहण करें या ये ग्रहण करें, क्योंकि वेद भी हमें गुण धर्म सिखाता है। वेदों में जगह जगह ऐसा लिखा तुम विवाह नहीं करोगे तो ये नरक मिलेगा, तुम्हें इस लोक की नहीं प्राप्ति होगी, तुम्हें ये सुख नहीं मिलेगा। पर भागवत धर्म वैदिक धर्म से क्यों बड़ा है, क्योंकि भागवत धर्म प्राप्त करना नहीं, भागवत धर्म कामना नहीं, भागवत धर्म मोक्ष को भी छोड़ना सिखाता है। हमें कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा ये नहीं, तुमको छोड़ने की सामर्थ्य कैसे मिलेगी वो चीज भागवत धर्म सिखाती है। मोक्ष तक की इच्छा को छोड़ देना चाहिए भागवत धर्म ऐसा कहता है, जबकि वेद मोक्ष प्राप्ति की इच्छा सिखाते हैं। तो वैदिक धर्म अपनी जगह ठीक है पर जहां परम धर्म की बात आती है तो परम धर्म वैदिक धर्म नहीं हो सकता। परम धर्म तो केवल भागवत धर्म है, केवल भक्ति धर्म है जो पूर्णतः निष्काम है, जो निस्वार्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। सेवक का धर्म कब सिद्ध होगा, जब वो स्वामी से कुछ नहीं चाहे। और स्वामी का धर्म कब सिद्ध होगा, जब वो सेवक से कुछ नहीं चाहे। कोई भी धर्म है जब तक उसमें कामना है वो धर्म कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। धर्म तो भाई निस्वार्थ भाव से की हुई क्रिया ही परम।
भागवत ग्रंथ का प्रणयन किया है और व्यास जी महाराज ने ये ग्रंथ बनाया, सुखदेव जी महाराज ने इसका अध्ययन किया है और परीक्षित जी को श्रवण कराया। यहां से आगे परीक्षित जी की जन्म कथा सुखदेव श्री सूत जी महाराज ने कही है, जिसमें मुख्य रूप से कुंती स्तुति का गान किया है। भागवत का बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है कुंती स्तुति। जिस समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को समाप्त कर दिया, महारानी द्रौपदी बड़ी दुखी हुई। अर्जुन ने उनके वध का संकल्प किया। अर्जुन मारने गए हैं अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा तो नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, बांध के ले आए। महारानी द्रौपदी ने गुरुपुत्र को प्रणाम किया और उनको छोड़ देने के लिए अर्जुन से प्रार्थना की। अश्वत्थामा को छोड़ तो दिया अर्जुन ने, पर मस्तक की मणि को निकाल लिया। शास्त्रों में ब्राह्मणों का तिरस्कार उनके वध के समान कहा गया है। तो मणि निकाल के तिरस्कार किया तो एक तरह से उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा को बहुत मन में कष्ट हुआ अपने अपमान का, और प्रतिशोध के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और उस समय उत्तरा मैया के गर्भ में परीक्षित जी महाराज थे। उत्तरा ने भगवान की शरण ली, भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा मैया के गर्भ को ढक दिया और उसके बाद द्वारिका जाने की अनुमति ली। तब वहां मैया कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति की, बहुत दिव्य स्तुति है। स्तुति तो पूरी दिव्य है, पर एक भाव जिसके लिए ये स्तुति प्रसिद्ध है वो इतना सुंदर है। जिस समय भगवान द्वारिका जाने की आज्ञा मांगे हैं, कुंती मैया ने कहा, हे नाथ, आप कृपा करके मुझे जाते जाते एक इच्छा पूरी कर दो। बोले, बुआ, अब आपको क्या चाहिए? आप राजमाता बन गई, महाभारत में आपके बेटा विजयी हो गए, अब आपको क्या चाहिए? राजमाता बनने के बाद भी कुछ इच्छा है? बोले, हाँ, एक इच्छा है। क्या है? बोले, जब तक मैं राजमाता नहीं थी तब तक तो आपने जाने की कभी अनुमति मेरे से नहीं ली, और जब मैं राजमाता बन गई तो आप भी यहां से जाने लगे। ऐसा राजमाता का पद मुझे नहीं चाहिए। आप कृपा करें, यदि मुझे दे सकते हैं तो विपदा संतुन, मुझे विपत्तियां दे, मुझे कष्ट दे। इस एक ही भाव से पता चलता है कि माता कुंती का क्या व्यक्तित्व रहा होगा। हमारी तुम्हारी सामर्थ्य है, भगवान से खड़े होके कहें हमें कष्ट दे दो, हमें दुख दे दो। हम लोगों की दृष्टि में कृपा क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हम लोग इसे कृपा समझते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि जो परिस्थितियां हमें सबसे ज्यादा ठाकुर जी के समीप ले जाती हैं, हमें उनकी बारंबार स्मृति कराती हैं, हमें पग पग पर उनकी कृपा का अनुभव कराती हैं, वो परिस्थितियां हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा है। सीता जी को अपार कष्ट था अशोक वाटिका में राम जी के वियोग का, अपार कष्ट। लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे हैं सीता जी से जब मिलके आए हैं? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन ना हुए। विपत्ति ये नहीं, प्रतिकूलताएं विपत्ति नहीं है। प्रतिकूलता सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि वो हमें भगवान की स्मृति कराती है। भगवान की स्मृति न होना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और उनकी स्मृति होना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। तो कितने दिन के लिए आपको कष्ट चाहिए? मैया कुंती बोली, शश्वत, सदा सदा के लिए चाहिए, मुझे सुख चाहिए ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो भक्तमाल जी ने कहा है, कुंती करतूत ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगत विपत्ति जासो भागे सजन। मैया कुंती ने वो चीज मांगी जिससे संसार भागता है, वो चीज वे मांग रही, झोली फैला के मांग रही। ठाकुर जी ने पूछा, आपको क्यों विपत्ति चाहिए? बोली, विपदा संतुना शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यस्या पुनर्भव दर्शन। ये विपत्तियां आपका स्मरण और आपका दर्शन कराएंगी, इसलिए नाथ मुझे ये विपत्तियां चाहिए। हम लोगों के जीवन में
कभी व्याकुलता नहीं आती है भगवान के लिए, कभी व्याकुलता नहीं। हम सोचते हैं 10 साल से मंदिर आ रहे हैं, 20 साल से मंदिर आ रहे हैं, कोई अनुभव नहीं होता। क्यों अनुभव होगा? क्या हमारे मन में कभी भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता हुई, कभी झटपटाहट हुई? कभी नहीं। व्याकुलता तो भाई उन महापुरुषों के जीवन में थी। कुम्भनदास जी महाराज का जीवन चरित्र देखें, कुम्भनदास जी के घर में 7 बेटे, उनकी 7 वधुएं, 1 भतीजी, वे स्वयं और 1 उनकी पत्नी, 17 प्राणी थे। घर में खाने पीने का कुछ साधन नहीं। एक बार उनके गुरु गोसाई विठल नाथ जी ने कहा, कुम्भनदास जी आप हमारे साथ गुजरात चलिए, वहां कुछ वैष्णव आपकी सेवा कर देंगे, अच्छा रहेगा। कुम्भनदास जी श्रीनाथ जी को छोड़कर, श्री गोवर्धन गिरिराज जी को छोड़कर जाने ही नहीं चाहते थे। अब धर्म संकट है, न जाएं तो गुरु आज्ञा टलती है और जाएं तो ब्रज भूमि छोड़ना नहीं चाहते। तो गुरु जी से बोले, ठीक है गुरुदेव आप आज्ञा कर रहे हैं तो चलते हैं। पहला पड़ाव गिरिराज जी में पड़ा अप्सरा कुंड पे। अभी गिरिराज जी से बाहर नहीं गए और बाहर जाने की चिंता में ही गर्मियों के दिन सब वैष्णव लोग अपने अपने टेंट तंबुओं में बैठे और कुम्भनदास जी महाराज एक झाड़ में जाके, कुंज में जाके वहां बैठे बैठे आंख बंद करके आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे और पद गा रहे थे कि ते दिन वे झुक गए बिन देखे। हे श्रीनाथ जी आपको देखे बिना कितने दिन मुझे निकल गए, ये पद गा रहे हैं। वह शोभा वह कांति बदन की कोटिक चंद्र विशेखे, वह चितवन वह हास मनोहर वह नटवर वह कुदेखे, कुंभन दास लाल गिरधर बिन जीवन जन्म अलेखे। कुम्भनदास जी कह रहे मुझे कितने जीवन कितने जन्म जन्मांतर निकल गए आपको देखे बिना, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी गए नहीं ब्रज से बाहर, अभी श्रीनाथ जी को छोड़कर गए नहीं, जाने की आशंका मात्र से उनका चित्त व्याकुल हो गया। इसको प्रेम कहते हैं। हम 24 घंटे में से कितने क्षण तड़पते भगवान के लिए, विचार किया कभी कि 10 मिनट भी अगर हम तड़पते हो, 10 मिनट भी अगर हमें छटपटाहट होती हो तो समझ में आए कि प्रेम है। धंधे में घाटा हो जाए तो छटपटाते हैं, घर में कोई समस्या आ जाए तो छटपटाते हैं, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो छटपटाते हैं, भगवान के लिए कितने छटपटाते हैं। फिर सोचते हैं 20 साल से मंदिर जा रहे हैं, 50 साल से जा रहे हैं, कोई अनुभव नहीं, कहां से अनुभव होगा? हम कितने व्याकुल हैं उनके लिए, हम वास्तव में कितने अंश में प्रेम करते हैं, कभी विचार तो करें। प्रेम उन महापुरुषों का था, श्री हरिराम व्यास जी महाराज को उनके गुरु जी ने कह दिया, जाओ तुम अपने घर लौट जाओ। बोले गुरुदेव घर तो लौट जाओ पर एक बार मुझे अपने भाई बंधुओं से मिल लेने दें। तो किसी कारणवश उन्होंने कहा था चले जाओ, तो हरिराम व्यास जी महाराज वृंदावन की एक एक लता से लिपट लिपट कर रोने लगे, एक एक लता से। 3-4 दिन हो गए, गुरुजी ने कहा व्यास जी अब तो भाई बंधुओं से मिल लिए होंगे अब चले जाओ। तो व्यास जी महाराज बोले गुरुदेव अभी तो वृंदावन के बहुत से भाई बंधु बाकी रह गए हैं। उन्होंने पद गाया, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुख बंधु, ये वृक्ष ये लताएं ही हमारे माता पिता भाई बंधु स्वजन बांधव सर्वस्व हैं। तो एक एक दिन एक एक लता से, एक एक दिन एक एक वृक्ष से लिपट लिपट के होते थे। गुरुजी समझ गए ये जा नहीं पाएंगे, ये मर जाएंगे वृक्ष छोड़ेंगे तो शरीर छोड़ देंगे, मना कर दिया ठीक है तुम कभी मत जाओ। और अजीब बात यह कि जब व्रत छोड़ने की बात कही तो उन्होंने अपने सारे मुंह पे काली पोत ली, सारा मुंह काला कर लिया। गुरुदेव ने पूछा ऐसा क्यों किया तुमने? बोले गुरुदेव संसार को छोड़ के आया था तो मुंह सफेद हो गया था, लेकिन फिर से संसार में जाना पड़ रहा है तो उसका मतलब मुंह काला तो होना ही है, तो मुंह काला करके ही जाना चाहता है। मीरा जी की स्थिति देखो, कब की ठाड़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी खड़ी, पद में कहती है मीरा जी कैसे प्राण पिया बिना
बाल तो मेरी संजीवनी बूटी है, मेरे प्राण संजीवनी बूटी है, लेकिन कैसे बिना कैसे उसके बिना रहूं। लक्ष्मणा और बिना कुछ देखे बेचारे भीष्म पितामह ने
उनको वरदान दे दिया, जा पुत्री तेरा सौभाग्य अमर है, तेरे पति को कोई नहीं मार पाए। तो क्यों चिंता करती आधी रात में शिविर में आई है? द्रौपदी जी ने मस्तक ऊपर किया तो भीष्म पितामह ने देखा, अरे ये तो द्रौपदी है, आज तो बहुत बड़ा अनुचित काम हमसे हो गया। भीष्म पितामह समझ गए, द्रौपदी जी से सबसे पहले बोले, द्रौपदी अच्छा ये बताओ, पांडवों में तो इतनी बुद्धि है नहीं कि तुम्हें यहाँ लाएंगे, तुम्हें यहाँ लाने वाला कौन है? द्रौपदी जी भीष्म पितामह को लेके बाहर आई, शिविर के बाहर इशारा कर दिया, यही हमें लाए। पितामह ने देख लिया, अरे प्रभु की ऐसी इच्छा। भगवान ने कहा, पितामह जिसका रक्षक मैं हूं उसको मारने की प्रतिज्ञा आपने कैसे की? आप धर्म संकट में एक ओर वरदान दूसरी ओर प्रतिज्ञा, और मेरी इच्छा ये है आपका वरदान ही सत्य होना चाहिए, प्रतिज्ञा नहीं। आप भूल गए जिसका रक्षक मैं हूं, करोड़ों भीष्म आकर भी उसको मार नहीं पाएंगे, इसलिए अपना वरदान ही सत्य करना। भीष्म पितामह जाके शिविर में सो गए जैसी हरी इच्छा। अब उधर जाके द्रौपदी को ठाकुर जी ने कहा, आप सो जाओ आराम से। एक तरफ चिता बनवा दी और दूसरी तरफ पतियों को अमर करा दिया, कौन जाने उनकी पूजा। फिर अर्जुन को जगाया, तुम्हें तो चिंता नहीं है, खा के सो रहे हो, हमें तो बहुत चिंता, उठो सो मत। अब ब्राह्मण रूप बनाया दोनों अर्जुन कृष्ण ने और दुर्योधन के शिविर में पहुंच गए। वहां जाके अर्जुन स्वर्ग से नृत्य तो सीख के आई थे, बहुत अच्छा नाचे। दुर्योधन ने प्रणाम किया दोनों योगियों को, महाराज आपने हमारी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिलाई है, जो चाहिए मांग लो। भगवान बोले, देखो हम संत लोग हैं, हमें क्या चाहिए, हमारे शिष्य अभी बालक है, इसको जो चाहिए दे दो। अर्जुन को पहले ही सिखा दिया था। अर्जुन बोले, महाराज आपके मस्तक पे जो लाल हीरा वाला मुकुट है ना, यही मुकुट हमें चाहिए। दुर्योधन मारे खुशी में उतार के मुकुट दे दिया। फिर भगवान अर्जुन को बोले, अब ये मुकुट धारण करके भीष्म पितामह को प्रणाम करने जाओ, और प्रणाम करते करते ही कहना, सब सिखा पढ़ा दिया जो कहना है। अर्जुन गए हैं, पितामह को प्रणाम किया, पितामह मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आप पांडवों को मारेंगे कि नहीं मारेंगे, वो पांच बाण आप मुझे निकाल के दे दें, मैं अपने आप पांडवों को मारूंगा। भीष्म पितामह का रे इसको विश्वास नहीं दुर्योधन को, अब दुर्योधन का मुकुट पहना हुआ था, रात्रि का समय, पितामह ने निकाल के पांचों बाण दे दिए, ले जा तुझे भरोसा नहीं तो अपने आप अपने काल को समाप्त कर लेना। अब वो वही पांच बाण थे जिनने पांडवों के काल का आह्वान किया था। अब अर्जुन उन पांचों बाणों को ले आए और ठाकुर जी ने कहा, सो निश्चिंत हो, कोई चिंता की बात नहीं। अब अगले दिन युद्ध में भीष्म पितामह दुर्योधन की ओर देख रहे हैं कि दुर्योधन कब वो बाण मारे, दुर्योधन पितामह की ओर देख रहा है कि कब वो बाण मारे। अब वो बाण ना भीष्म के पास है ना वो दुर्योधन के पास है। सारा युद्ध हो गया, दुर्योधन फिर खींचा, पितामह मुझे पहले ही पता था आप पांडवों को नहीं मार पाएंगे, अरे मारता कहां से, बाण तो तू ले गया, पर मैं कब बाण ले गया, मैं आया ही नहीं था। अब परस्पर झगड़ा हो गया। तब भीष्म पितामह समझे कि एक लीला तो की दूसरी लीला भी कर दी। तब भीष्म पितामह ने आवेश में आके प्रतिज्ञा की है कि मैं कल के युद्ध में कृष्ण की प्रतिज्ञा को भंग करा दूंगा। ठाकुर जी की प्रतिज्ञा थी वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, और पितामह ने कहा मैं उठवा के रहूंगा। तो देखो भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं भक्त के लिए, पर भक्त का वचन सत्य होना चाहिए। जहां पांडवों की रक्षा की बात थी तो वहां पितामह की प्रतिज्ञा भी झूठी करा दी, और जब अपनी बात आई तो अपने आप को झूठा करा दिया, पर पितामह की प्रतिज्ञा को सत्य किया। ऐसा भीषण युद्ध किया है, अर्जुन शिथिल पड़ गए, तब भीष्म पितामह ने को मारने के लिए श्री ठाकुर जी को कुछ नहीं दिखाई पड़ा, रथ का पहिया ही चक्र की तरह धारण करके दौड़ पड़े हैं। और जब दौड़े हैं अर्जुन कह रहे, नाथ आप सत्य रूप हैं, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, वेदवाणी झूठी हो जाएगी। पर उनको कहां परवाह, वेदवाणी भले झूठी हो जाए पर भक्त की वाणी झूठी नहीं होनी चाहिए। बड़ा सुंदर सुरदास जी महाराज का पद है, बहुत सुंदर पद है। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे।
मेरे बैरी हो जाएगा, वो किसी और से नहीं मुझसे बैर कर रहा है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा, और भक्त से द्रोह मतलब भगवान से द्रोह। भीष्म पितामह पांडवों को कैसे मार सकते हैं, भगवान ने रथ का पहिया धारण किया है उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए, और भीष्म पितामह ने उस समय जब सरसैया पर पड़े हैं ना भगवान से स्तुति की है, दिनार आज उस दिन भी आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी और आज भी आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने आए हैं। पितामह की प्रतिज्ञा थी जब उत्तरायण आएगा तब शरीर छोड़ेंगे। दो अयन होते हैं वर्ष में, 6 महीने का दक्षिणायन, 6 महीने का उत्तरायण। उत्तरायण बड़ा शुभ माना जाता है। तो भीष्म पितामह जैसे भक्त के लिए भी क्या मरने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता पड़ गई? तो भाई उत्तरायण का मतलब समय से नहीं, उत्तराया गर्भो अयनम यस्य उत्तरायण स श्री कृष्ण। उत्तरा के गर्भ में जो भगवान परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए गए उन भगवान का नाम उत्तरा के गर्भ में जाने से उत्तरायण हो गया। तो उत्तरायण श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में पितामह बैठे हैं, न कि समय की। अरे भक्त तो जब जन्म ले ले, जब उसकी मृत्यु हो जाए उसका जन्म भी महोत्सव बन जाता है, उसकी मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है, उनके लिए कोई मुहूर्त मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तरायण माने उत्तरा के गर्भ में निवास करने वाले श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में पितामह खड़े हैं, और जब पितामह के सामने भगवान आए हैं तो सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। पितामह ने आज्ञा दी, अब तक मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, अब आप मेरी प्रतीक्षा करो। ये एक स्थिति होती है, हम तुम नहीं कह सकते। मलुकदास जी संत हुए, महापुरुष हुए हैं, उनका एक बड़ा सुंदर दोहा है, माला जपूं न कर जपूं मुख से कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। मलुकदास जी कह रहे हैं हे राम जी, अब ना माला पे राम राम करेंगे, ना उंगलियों पे राम राम गिनेंगे, ना मुंह से राम राम कहेंगे। हमें तो बहुत दिन हो गए राम राम करते करते, अब आप बैठ जाओ मलूम 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 की माला पे। तो ये बहुत बड़ी स्थिति के बाद ये बातें कही जा सकती हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं मैंने तो आपकी प्रतीक्षा बहुत कर ली, अब आप मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ता हूं आप मेरे सम्मुख खड़े रहो। और हे नाथ एक बात मैं अवश्य जाते जाते कहना चाहता हूं, महाभारत के युद्ध का विजय का कारण पांडव नहीं थे, कोई कहे युधिष्ठिर जी के कारण